जय हिंद दोस्तों। चाइना में फिर से कोरोना ने हाहाकार मचा दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि वहां अस्पताल में बेड नहीं है, दवाई की शॉर्टेज हो रही है। इतना ही नहीं, शव रखने की जगह भी नहीं है ऐसा बताया जा रहा है। तो कोरोना ने फिर से दस्तक दी है चाइना में और हाहाकार मचा दिया है। इसके संबंध में वीडियोज भी, फोटोज भी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। इसी को देखते हुए विधायक प्रताप सरनाइक जी ने एकनाथ शिंदे जी, जो कि मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उन्हें एक पत्र दिया है जिसमें उन्होंने इस बारे में जिक्र किया है कि चाइना में कोरोना काफी बढ़ रहा है तो हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए, जो भी COVID-19 के प्रिकॉशंस है, एयरपोर्ट पर चेकिंग हो, मास्क हो, सैनिटाइजर हो, तमाम प्रिकॉशंस लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने जिक्र किया है अपने पत्र में। यही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी तमाम स्टेट्स के लिए एक पत्र जारी किया गया है जिसमें चाइना और जो भी अन्य देशों में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं अचानक से, उस बारे में जिक्र है और प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा गया है। चाहे वो टेस्टिंग करना हो, वैक्सीनेशन देना हो, तमाम प्रिकॉशंस का जिक्र है। तो ये एक लेटेस्ट खबर थी कोरोना के संबंध में, तो मैं सोचा आप लोगों को इस बारे में बताऊं। अभी फिलहाल भारत में कोरोना की सिचुएशन कंट्रोल में है, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, मीरा भाईंदर, लेकिन प्रिकॉशंस लेना जरूरी है क्योंकि पिछली बार भी पहले कोरोना चाइना में आया था, चाइना में बढ़ रहा था, फिर अलग अलग देशों में पहुंचा और अभी फिर से चाइना में कोरोना ने हाहाकार मचा दिया है। तो प्रिकॉशंस अभी से ही लेना जरूरी है और इसलिए आप सब भी प्रिकॉशंस ले। आपने अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो वैक्सीनेशन करवा ले, अपनी हेल्थ का ध्यान दे, तमाम चीजों का आप प्रिकॉशंस ले। और मुझे कई मैसेज भी आए कोरोना रिपोर्ट फिर से आप हमें दो, तो मैं कोशिश करूंगा फिर से कोरोना रिपोर्ट की जानकारी आप तक पहुंचाने की। अंत में मैं बस आप सबसे यही कहूंगा, भगवान ईश्वर गॉड अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सब अपना ख्याल रखे, सभी को दुआओं में याद रखे। थैंक यू सो मच।